व्यक्ति का सबसे बड़ा परोपकार डायरेक्शन फ्रेंड्स, इस धरती का सबसे बड़ा परोपकार डायरेक्शन बिजनेस फ्रेंड्स। फ्रेंड्स कैसे, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि रियल में अगर आपके दिल में कुछ भी सेवा भाव है, परोपकार की भावना है, लोगों को साथ लेकर चलने की भावना है, तो फ्रेंड ये सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग से मुमकिन हो सकता है। कैसे, लेकिन उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उसका सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। फ्रेंड्स जब बात आती है खूबसूरत डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की, फ्रेंड्स जानते हैं इसमें धरती पे अगर कोई एक काम है जहाँ लोगों को साथ लेकर पकड़ कर आगे बढ़ाने के लिए, लोगों का भला करने के लिए अगर किसी बिजनेस में बात आती है तो डायरेक्ट सेलिंग। फ्रेंड्स यही एक ऐसा बिजनेस है जहाँ सेवा भाव छिपा है, जहाँ टीम भावना छिपा है, जहाँ लोगों को आगे बढ़ाने की भावना छिपा है। फ्रेंड्स इस समाज में क्या हो रहा है, इस कलयुग में जानते हैं इतना घोर अन्याय अत्याचार चल रहा है फ्रेंड्स, कि हर कोई एक दूसरे से जलन कर रहा है, ईर्ष्या कर रहा है, हर एक कोई एक दूसरे का पैर खींच रहा है। फ्रेंड्स कोई भी बिजनेस की बात करिए, कंपटीशन इतना ज़्यादा है, हर व्यक्ति जानते हैं एक दुकानदार अपना प्रोडक्ट किसी और रेट पर देता है, दूसरा दुकानदार किसी और रेट पर देता है। फ्रेंड्स इतना ज़्यादा कंपटीशन है, हर दुकानदार सोचता है कब बगल वाली दुकान बंद हो जाए। फ्रेंड्स ये हर धंधे का हाल है, नौकरी में क्या हो रहा है फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा कंपटीशन है, हर कोई अपने आप को अच्छा साबित कर रहा है एक दूसरे को हराने के लिए, अपने आप को बेटर करने के लिए, नौकरी पाने के लिए कंपटीटर में जो भी व्यक्ति है उससे अच्छा बनने के लिए। फ्रेंड्स हर जगह कंपटीशन है, सोच के देखिए हर जगह कंपटीशन, हर जगह प्रतिस्पर्धा। फ्रेंड्स हर जगह एक दूसरे को नीचा गिराने का, एक दूसरे को असफल करने का प्रयास चल रहा है फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स एक खूबसूरत डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ये धरती का, ब्रह्मांड का, ये ऊपर वाले का एक नेक काम है। जानते हैं इस खूबसूरत बिजनेस को मैं बोलता हूँ ये ऊपर वाले का काम है, ये ईश्वर का काम है। ईश्वर क्या करता है, हम ईश्वर से क्या अपेक्षा करते हैं, भगवान हमारी लाइफ में अच्छा हो, भगवान हम कामयाब हो जाए, हम क्या करते हैं इसे दुआ करते हैं ना। लेकिन क्या कभी ऊपर वाला आकर हमारा हेल्प किया? फ्रेंड्स ऊपर वाला है जानते हैं एक कीमत बनाकर, ये खूबसूरत डायरेक्टली बिजनेस ये ऊपर वाले का काम है, ये सेवा भाव का काम है। अगर कोई आदमी बीमार है तो उसको जाकर लोग अच्छा प्रोडक्ट देते हैं। आजकल आयुर्वेद बेस्ड कई कंपनियां हैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट देते हैं जो झट पे जाके काम करता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आज कुछ बीमारी ऐसी हो गई जिसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है, जैसे शुगर है, थायराइड है फ्रेंड्स, हार्ट की समस्या है, बीपी की समस्या है, लाइफ टाइम आदमी जब तक जीता है तब तक दवा खा रहा है। लेकिन आयुर्वेद में डायरेक्ट सेलिंग में जो कंपनियां आयुर्वेद बेस्ड प्रोडक्ट बना रही है फ्रेंड्स, वो प्रोडक्ट यूज करने से 2 महीने 4 महीने 6 महीने में जानते हैं लोगों की दवाइयां बंद हो जा रही हैं फ्रेंड्स। और सबसे बड़ी बात है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट नहीं है फ्रेंड्स। अगर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आप किसी को देते हैं तो फ्रेंड्स एक बीमारी की दवा देते हैं और उसके शरीर में वो प्रोडक्ट जाता है तो उसकी 10 बीमारियों को और रिमूव कर देता है। और फ्रेंड्स सब बीमारियों का कारण इम्यूनिटी है, वीकनेस है। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जब जाता है शरीर में तो ऑटोमेटिक बीमारियां रिमूव हो जाती है, क्योंकि हमारी शरीर तरह से भगवान ने डिजाइन की है, बीमारियों को ऑटोमेटिक हमारा शरीर लड़ता रहता है। लेकिन जब हमारा शरीर वीक हो जाता है बीमारियां हावी हो जाती हैं जब आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हम लोगों को देते हैं फ्रेंड्स। जब लोग बोलते हैं मेरा बवासीर सही हो गया, जब लोग बोलते हैं मेरी हार्ट की समस्या सही हो गई, जब लोग बोलते हैं मेरा शुगर सही हो गया, फ्रेंड्स इतना सुकून मिलता है। सोचिए कितना परोपकार काम किया जा रहा है, किसी की लाइफ टाइम मेडिसिन को यहाँ से कुछ महीने बाद बंद हो जा रही है।
फ्रेंड्स, और उसके बाद फ्रेंड जानते हैं ये तो बीमारी तो है, ये तो नेक काम है। उसके बाद आज पूरे विश्व की सबसे बड़ी समस्या बीमारी के बाद बेरोजगारी के, फ्रेंड्स इतनी ज़्यादा बेरोजगारी फैल गई है कि आज लोग खुदकुशी कर दे रहे हैं। आज लोगों के पास नौकरी नहीं है, आज लोगों के पास कोई सलूशन नहीं है, आज सरकार के पास नौकरियां नहीं है, आज बेरोजगारी के आलम है कि हर जगह लोगों का शोषण हो रहा है। एजुकेशन लेने के बाद, पढ़ाई करने के बाद इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि हर एजुकेशन लेने के बाद लोग चपरासी की नौकरी करने के लिए आज फ्रेंड्स बेबस हो जा रहे हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स कितने लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी? हर साल 90 लाख लोग ग्रेजुएशन करते हैं, नौकरियाँ कितनी निकलती हैं? 40,000-50,000 ज्यादा नौकरियां नहीं निकलती है फ्रेंड्स, कहां जाएंगे लोग? ये समस्या कैसे खत्म होगी फ्रेंड्स? कोई भी सरकार आ जाए समस्या खत्म होने वाली नहीं है। और उसके बाद जानते हैं जनसंख्या के विस्फोट की तरह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्या जनसंख्या को फ्रेंड्स रोका जा सकता है? जनसंख्या नहीं रुकेगी, जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ रही है, इस बीमारी बेरोजगारी को फ्रेंड्स कोई सरकार रोक नहीं सकती। अगर बेरोजगारी को अगर रोका जा सकता है तो उसके लिए सिर्फ खूबसूरत डायरेक्शन बिजनेस है जिससे हम बेरोजगारी को यहाँ से खत्म कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई वैकेंसी नहीं होती, कोई पोस्ट नहीं होता है। इस खूबसूरत बिजनेस में हर व्यक्ति आके सिस्टम को फॉलो करके मेहनत करके आज यहाँ 25-50,000 लाख रुपए कमा सकता है, कंपनी के लेवल पे टॉप लेवल पे पहुंच सकता है। क्योंकि किसी भी कंपनी में जाएंगे तो वहाँ कुछ पोस्ट होता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कोई पोस्ट नहीं होता है। आपके अंदर एक चीज है, अगर आग है, बर्निंग डिजायर है, तो यहाँ लाख रुपया कमाना कुछ नहीं फ्रेंड्स। लाख रुपया नॉर्मल लोग जो 5-10,000 कमाने का कभी सपना नहीं देखे हों वो भी लाख रुपया यहाँ से कमा रहे हैं फ्रेंड्स। इस बिजनेस में सिर्फ एक चीज आपको चाहिए, एक चीज, एक बर्निंग डिजायर। यह सिस्टम को फॉलो करिए, सिस्टम को फॉलो करिए, सब्र रखिए फ्रेंड्स, सब्र रखिए, सिस्टम को फॉलो करिए, डेली काम करते रहिए। इस खूबसूरत बिजनेस में लोग सफल हो रहे हैं। अगर समस्या बेरोजगारी को अगर खत्म किया जा सकता है तो इस खूबसूरत बिजनेस से खत्म किया जा सकता है। अब फ्रेंड्स मैं तो ऐसे अनगिनत लोगों को देखा हूँ जो सरकारी नौकरी करते हुए, जो लोग 1-2 लाख रुपए कमाते हुए इस बिजनेस में आकर घंटे 2 घंटे काम करके 10-20-25-50,000 लाख रुपए कमा रहे हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स सोचिए इस महंगाई में आज लाख रुपया कमाना, लाख रुपया कमा के भी लोग परेशान हैं। लोग लाख रुपया कमाने के बाद इस बिजनेस को कर रहे हैं क्योंकि लाख रुपए से गाड़ी नहीं चल सकती इस महंगाई में। लाख रुपया कमाने के बाद लोग इस खूबसूरत बिजनेस को कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप भी इस खूबसूरत बिजनेस को कर रहे हैं तो फ्रेंड्स अपने विजन को बड़ा करिए, अपने बिलीफ सिस्टम को बड़ा करिए। और दोस्त जो मार्केट में जो लोग आज टहल रहे हैं जिनको नौकरियां नहीं हैं फ्रेंड्स, बाहर निकलिए, ऐसे लोगों को रास्ता दिखाइए। जो बेचारे भटक जा रहे हैं, जो नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, जो 5-10,000 के लिए एडजस्टमेंट की जिंदगी कुछ भी करने के लिए तैयार हैं फ्रेंड्स, उनके लिए अब एक चरिया बन सकते हैं, एक भगवान का रूप हो सकते हैं। ऐसे लोगों को जाकर यह अपॉर्चुनिटी बताइए। ये धरती का सबसे बड़ा परोपकार का काम है किसी को रोजी रोटी देना। दोस्त अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो मन से करिए, अगर नहीं कर रहे हैं तो इस बिजनेस को एक अच्छे अपलाइन से समझिए इस बिजनेस को, और उसके बाद करिए फ्रेंड। ये धरती का सबसे बड़ा मिशन है, सबसे बड़ा परोपकार है लोगों को रोजी रोटी देना। इस बिजनेस को हल्के मत लीजिए फ्रेंड्स, आने वाला कल सिर्फ यही बिजनेस चलने वाला है, क्योंकि हर जगह रिपोर्ट आ रहा है, हर जगह कंप्यूटर आ रहा है, कंप्यूटर युग आ रहा है फ्रेंड्स। लोगों की नौकरियां खत्म होंगी, लोग बेरोजगार होंगे, समस्याएं बढ़ने वाली हैं। तो दोस्त अगर भगवान ने आपको दिमाग दिया, इंसान बनाया है, तब भगवान का फ्रेंड्स ये जो शरीर आपको मिला है, भगवान ने दिया है फ्रेंड्स, उसकी कीमत आप अदा करिए फ्रेंड्स। सिर्फ पेट भरकर 10-20,000 कमाने के लिए धरती पर हम लोग नहीं आए हैं, हमें ऊपर वाले का कर्ज चुकाना है, अपने भी लाख रुपए कमाना है, अपने भाइयों को भी जो गरीबी से जूझ रहे हैं उनको भी आगे निकालना है, उनके पास जाके जरिया बताना फ्रेंड्स। ये परोपकार का काम आपको करना है, क्योंकि ऊपर वाला ने
आपको कुछ सोचकर इस धरती पर भेजा है, न किसी को पेट भरने के लिए भेजा है। फ्रेंड्स, जाने से पहले कुछ काम ऐसा कर जाइए, आपके जाने के बाद भी कुछ लोग आपको याद करते रहे। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फ्रेंड्स, हो सकता है ये वीडियो कुछ लोग